आपको डॉग से लाइन का शौक कैसे हुआ? ये लाइन मैंने पहले भी रखे हैं, मेरे पास एक इससे पहले एक वाइट फीमेल थी, वो मेरे पास 8-9 months तक रही है, ये भी ऑलमोस्ट 3 months की होने वाली है, 2.5 months की है, तो ये अराउंड 24 days से मेरे पास है, जो 24 days की थी। तो बस मुझे नॉर्मल कैट्स का शौक नहीं है, मगर लाइन्स का जो नेचर है ना, एक बहुत डिफरेंट नेचर है, मतलब कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब कि आप लाइन से कभी पंगा नहीं ले सकते, इतने बच्चे से भी नहीं ले सकते, मतलब कि यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज। लोग कहते हैं ना टेम हो जाते हैं, आई डोंट बिलीव दैट, एक हद तक हो जाते हैं, मगर आपको हमेशा बच के चलना पड़ता है इनसे, चाहे आप मालिक हो चाहे आप जो मर्जी हो। जहाँ पे आप ओवर हो गए, आप देखते हो आजकल के बहुत लोग जो है जो ओवर हो रहे हैं लाइन के साथ, मतलब मेकिंग टिकटॉक्स मटेरियल नहीं है ये आपका, ये एक आपका पेट है। मगर देखो आप डॉग एक रखते हो तो डॉग का अगर गुस्सा आपके ऊपर आ भी जाता है, दे गेट एंग्री ऑन यू, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मगर एक शेर जब बड़ा हो गया है उसका अगर मूड खराब हो गया आप चाह के भी उसको रोक नहीं पाओ, बेशक आप मालिक हो। इसको डाइट क्या देते हैं आप? इसको मैं रॉ चिकन दे रहा हूँ इस टाइम पे, इसका क्या नाम मेक रिप्लेसर्स आते हैं आपके रॉयल कैनिन के, वो दे रहा हूँ मैं साथ में, कभी वन टाइम पे बीफ भी जा रहा है इसको, और कभी कभी मैं इसको चिकन विद बोन भी दे रहा हूँ अभी फिलहाल। और इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन वगैरह ये वो इच एंड एवरीथिंग उसका क्या? लाइंस की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए आई बिलीव, अगर आप रख रहे हो तो इसकी वैक्सीनेशन वही है जो कैट पे ली है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, सेम जो आपकी कैट में फीलाइन में क्या वैक्सीनेशन होती है वही लाइन की होती है। आप जब कैप्टिविटी में रखते हो तो दे आर नॉट दैट, इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि ये आपके घर पर रह रहे हैं, इनको वाइल्ड नहीं इन्होंने देखा हुआ, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है लो है, तो आपको इसको वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये फीमेल बच्चा जो है इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरे घर पे आई भी, अदरवाइज ये यहाँ पे नहीं होती, ये फार्म पे ही होती है बाकियों के साथ। तो द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे घरों में भी नहीं रखने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, आपको वाइल्ड लाइफ की तरफ से पूरा NOC लेके उनसे प्रॉपर आपका जो इसका इंक्लोजर है उसका साइज है, एक ब्रीडिंग फार्म का क्या नाम है लाइसेंस है वो करके, देन यू हैव टू टेक गेट अ लाइन। इस तरह हर कोई उठा के नहीं घर पे रख सकता। एग्जैक्टली और इसकी डिवॉर्मिंग के हवाले से इसके नेल्स वगैरह को जो डिवॉर्म करवाना पड़ता है उसके बारे में? नेल्स को लोग जो है वो गलत करते हैं, मैं डिवॉर्म नहीं, उसको आप डी क्लॉक कहते हैं, लोग डी क्लॉक करा देते हैं, आपके केनाइन टीथ जो बड़े वाले हैं उनको रिमूव करा देते हैं, काफ़ी लोगों ने करवाए हुए शो ऑफ के लिए, आई बिलीव के नहीं वो गलत काम है, नहीं करना चाहिए, जिस तरह नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरली रहना चाहिए। डिवॉर्मिंग इनकी वही साइकिल है जैसे कैट्स और डॉग्स की है, इनको आपको डिवॉर्म टाइम से टाइम करना होता है मेडिसिन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है डिवॉर्मिंग जो है इनकी, यानी कि सिर्फ अपने शौक के लिए लोगों को इनकी जो नेचर है उसको नेचर से नहीं हटाना चाहिए। हाँ, अज़ियत नहीं देनी चाहिए आप इनके, जब आपने पंजा ही निकलवा दिया वो सारी ज़िंदगी किसी चीज़ को पकड़ के खा नहीं सकता, शेर जो है हमेशा पंजे से पकड़ के खाना खाता है। एग्जैक्टली जब वो पकड़ ही नहीं सकता वो अनईजी रहता है सारी ज़िंदगी, और अगर आप उसके मेन केनाइन से निकलवाए तो सारा ज़िंदगी उसको दर्द होती रहती है, आप उसके टीथ को ग्राइंड करते रहते हो राउंड करने के लिए ताकि शार्प ना रहें, तो वो खाना किस तरह खाएगा? लाइन की एक नेचर है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। आई बिलीव जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा। हेलो
No. No.